तो गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने बालों को टक करती हूँ। तो मैंने अपने बालों को बांध लिए हैं और मैंने फेस वॉश कर लिया है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ डर्म डॉग का एंटी एक्ने टोनर। टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है और जो भी आपके ओपन पोर्स होते हैं ना उसको फिल इन कर देता है। ये मैंने लगा लिया है टोनर। अब गाइस मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेशियल आर्गन फेशियल ऑयल 24 कैरेट गोल्ड। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको अपना पर्पल हॉल दिखाया था ना, उसमें इसमें इसको मैंने मंगवा लिया था। गोल्ड डस्ट आती है, देखिए। आपको इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर गाइस मैं प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो कि पतंजलि का है। तो आपको इसको ज़्यादा नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है मैं वहाँ वहाँ लगा रही हूँ। ये क्या करता है, आपके मेकअप को ना फेस में जाने से रोकता है, जिससे मेकअप का जो इम्पैक्ट है आपके फेस पे नहीं पड़ेगा, स्किन ख़राब नहीं होगी आपकी। और जो भी आपके ओपन पोर्स होते हैं इस साइड में, मेरे भी हैं, उसको ये फिल इन कर देता है और हल्की सी शाइन प्रोवाइड कर देता है फेस को। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, ये हल्का हल्का सा आपको इसको लगा लेना है। फेशियल ऑयल ऑयली स्किन वाले नहीं लगाते हैं, बट क्या होता है कि अभी जो विंटर सीजन आ गया है उसमें स्किन मेरी भी ऑयली है बट उसमें भी ड्राइनेस होने लग गई है, तो मैंने इसलिए फेशियल ऑयल यूज़ किया है ताकि जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे, नहीं तो अजीब सा दिखाई देता है। तो ये मेरा प्राइमर हो गया है। और प्राइमर लगाने के 1 से 2 मिनट आपको वेट कर लेना चाहिए इसको सेटल होने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी ऑयली स्किन है और मैंने फेशियल ऑयल यूज़ कर लिया है। आप चाहे तो फेशियल ऑयल स्किप करके कोई भी सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन। ये देखिए जो मेरा शेड है वो है 128 शेड नंबर है मेरा, और काफ़ी अच्छा है ये, ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो मैं थोड़ा सा लूँगी और डॉट 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 करके आपको अपने पूरे फेस पे इसको लगा लेना है ऐसे। नेक पे भी लगा लीजिएगा, नहीं तो नेक अलग से दिखाई देती है, फिर बहुत ही गंदी लगती है। अब मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया जिसको मैंने गीला करके और ऐसे निचोड़ लिया था, स्क्वीज कर लिया है। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूं। ये देखिए आपको ड्रैग नहीं करना है, ऐसे दबा दबा के इसको लगाना है। देखिए पहले स्किन कितनी शाइन कर रही है, ये जो मैंने फेशियल ऑयल लगाया है उसकी वजह से है। नेक पे भी पूरा अप्लाई कर लूंगी इसको, नहीं तो फिर ना नेक अलग से दिखाई देती है, डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर आपको इसको थोड़ा सा जो भी ब्लेंडर में बचा हुआ है आपको इसको कान पे लगा लेना है अपने। तो देखिए गाइस मैंने पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब बारी आती है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे से कर लीजिएगा, वो सारा इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो आ जाता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा कंसीलर, क्योंकि जो भी डार्क एरियाज़ हैं उसको करने के लिए। तो कंसीलर मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का,
ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और मेरा शेड है 02। गाइज ये सैंड सेबल कलर है और कंसीलर आपको जो लेना है वो अपने स्किन टोन से एक दो टोन ज़्यादा लीजिएगा लाइट कलर में। तो जो भी मेरे डार्क एरियाज है ना, मुझे वैसे आईज पे हमको आई मेकअप करना है तो मैं अच्छे से इसको कंसील कर लूँगी, जिससे मेरा आई मेकअप जो है काफ़ी दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे। अंड्राई कर लीजिएगा, मेरी अंड्राई में इतनी ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइटेड हुई। कंसीलर से आप अपने हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो मैं जस्ट वही यूज़ कर रही हूँ जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी सी डार्कनेस हो रही है या स्पॉट्स होंगे, वही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको इसी के हेल्प से ड्रैग नहीं करते हैं, इसको यहीं पे सेटल कर देंगे ऐसे। ये देखिए, अब मैं इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लेती हूँ पूरे फेस पे हल्का हल्का सा। जो बची हुई है ना, जो आपके इसमें ब्लेंडर में है, उसको आप नेक पे यूज कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, तो मेरा कंसीलिंग पार्ट भी डन हो गया है और काफी अच्छे से मैंने कर लिया है, आईज के अराउंड भी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़ा सा लिप बाम यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेकअप यूज़ करने के बाद ना आपके होंठ जो है फटने लग जाते हैं, तो आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी का लिया है, इसमें टिंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ये। जब मेकअप हो जाएगा तो हम इसमें लिपस्टिक लगा लेंगे। इसको मैं हल्का सा पाउडर सेट करने वाली हूँ, बहुत कम करूँगी क्योंकि मुझे ड्यूई फिनिश चाहिए, तो मैं बहुत कम पाउडर सेट करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट फिट मी का फाउंडेशन, हल्का हल्का सा बहुत कम करूँगी। फेस के बाद मैं इसको नेक पे भी प्रॉपर वे में लगाऊंगी। पाउडर सेटिंग डन हो गई है, इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रो पेंसिल। आईब्रो फिल है, लिपस्टिक लगी है, तो आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो आईब्रो पेंसिल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें एक तरफ आपको मिल जाएगी आईब्रो स्पूली और एक तरफ आपको मिल जाएगी पेंसिल। तो पहले स्पूली से इसको, जो भी मेकअप इसमें फंसा होगा हम उसको झाड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा आईब्रो ड्रॉ नहीं करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि खाली है या आईब्रो के बाल कम है, वहाँ वहाँ मैं इसको लगाऊँगी। अब मैं स्पूली की हेल्प से इसको लाइट कर लूँगी। अब ये बिल्कुल नेचुरल लगेगी। मैंने बस अपनी आईब्रोज फिल की है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। अब मैं मिलती हूँ आपसे सेकंड आईब्रो करने के बाद। तो गाइस आईब्रोज डन हो गई हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा सा आईब्रो को और इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ड्यूल स्टिक है ये। इसमें एक तरफ आपको कॉन्टोर मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको हल्का सा हाईलाइटिंग करने के लिए ये शिमर पार्ट मिल गया, ये इल्यूमिनेट है। अब मैं इसको अपने आईब्रोज पे कुछ
इस टाइप से लगाऊंगी। इससे क्या होता है आपकी आईब्रोज जो है बहुत इन्हेंस होके आती है। लिड पे भी लगा लूंगी। अब आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं ब्लेंड, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करने जा रही हूँ। ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए इतनी जल्दी ब्लेंड हो गया। और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आईब्रोज बहुत ज़्यादा डिफाइन होके आती है, आपका फेस का लुक ही चेंज कर देगी। अब आईब्रोज आपको ओवर नहीं लग रही होगी और काफ़ी नेचुरल लुक आ जाता है इसको करने के बाद ऐसे, तो आप भी ट्रिक अपना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है। अगर आप आईब्रोज अच्छे से फिल कर लेते हैं तो मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ मेरा बेस मेकअप कम्प्लीट होता है, और बेस मेकअप कम्प्लीट करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बटन वाइट का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है। एक्चुअली इसके स्प्रे में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये मैंने स्प्रे कर लिया है। मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ना ये मेल्ट हो जाता है जो भी अगर जमा हुआ होता है, तो काफ़ी अच्छा सा दिखाई देता है, फिर इवन लगता है काफ़ी। तो आप बेस मेकअप कंप्लीट करने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सूखने आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने कॉन्ट्रोल नहीं किया है। अब कॉन्ट्रोल की बारी आती है, तो कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं यही वाले स्टिक यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। 2-in-1 है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो हल्के से आप अपना, अगर आपका माथा चौड़ा है तो आप इसको कॉन्ट्रोल कर लीजिए। यहाँ इससे डबल चिन नहीं लगेगी आपकी, जो ये वाला फैट है इसको हाइड करने में मदद करेगा। देखिए मेरी नोज थोड़ी चौड़ी है तो मैं इसको भी कॉन्ट्रोल करूंगी। मैं सारा ब्लेंड कर लेती हूँ। कॉन्ट्रोल को आपको ऐसे करके ब्लेंड करना होता है नीचे की तरफ। देखिए डायमेंशन मिल जाती है फेस को। ये देखिए कितना मोटा लग रहा है और ये कितना अच्छा लग रहा है स्लीक सा। ये वाला आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना होता है ऐसे, ये वाला आपको ऊपर की तरफ। ये देखिए और ये वाला भी पीछे की तरफ। फेस को डायमेंशन मिल गया है। तो गाइस मेरा कॉन्ट्रोल डन हो चुका है, ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रोलिंग हो गई है। नोज़ काफ़ी स्लीक लगती है कॉन्ट्रोल करने के बाद। गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्ट्रोल करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ हल्का सा कॉम्पैक्ट कॉन्ट्रोल के जस्ट नीचे, तो हाईलाइट माई कॉन्ट्रोलिंग जस्ट नीचे। इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी, ब्लेंड कर लेंगे जब हमारा मेकअप कम्प्लीटली डन हो जाएगा। अब इतना मेकअप होने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैंने लिया एक फ्लफी सा ब्रश। क्रिसमस है तो वाइट एंड रेड थीम तो बनती है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश लगाऊंगी यार। ब्लश यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला गोल्डन शेड लेने जा रही हूँ। इसमें शिमर पार्टिकल भी है और काफ़ी पिगमेंटेड है, ये देखिए।
इसमें बहुत सारे शिमर्स हैं, आप वाइट, पिंक, पर्पल, ये देखिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें से, आपके ऊपर है। मुझे हल्का सा गोल्डन टोन देनी थी, वाइट के साथ अच्छा लगता है। अलग से कुछ नहीं दिखना चाहिए मेकअप में, स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए तो वही मेकअप बहुत अच्छा लगता है, इससे एक्स्ट्रा भी बाहर आ जाएगा और जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही बचेगा फेस पे। हल्का सा काजल लगाऊंगी मैं, जो कि है मेरा फेवरेट कोलोजल काजल, बहुत लाइट लगाऊंगी। गाइस काजल डन हो गया है, बहुत लाइट सा काजल लगाया, अब मैं इसको थोड़ा सा स्मज भी करूँगी, तो ये मेरा काजल डन हो गया है। अब हम आते हैं आई मेकअप पे। तो गाइस आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रही हूँ मिस रोज़ के आई शेडो पैलेट। देखिए इसमें बहुत से वाइब्रेंट से कलर हैं, इसके साथ आपको ब्रश भी मिल जाता है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला रेड कलर। तो या तो आप अपने फिंगर से इसको लगा सकते हैं या फिर इसमें ब्रश दिया गया है, आप ब्रश की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं पहले ब्रश की हेल्प से इसको पूरे अपने आईलिड पे लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो धीरे धीरे इसको लगाइएगा, कम कम क्वांटिटी में लेके। अगर आप एक साथ ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। देखिए कितना कितना प्यारा और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, आपका अफोर्डेबल रेंज में आता है। अब मैं इसको सेकेंड आईज पे भी प्लेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने अपनी दोनों आँख में आई शेडो लगा लिया, आप देख सकते हैं हल्का सा ऐसा फैल गया, उसको मैं अभी ठीक करूँगी। और उसके बाद मैं मिस रोज़ की ही शिमर पैलेट है उसमें से एक कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ये गोल्डन और रोज़ गोल्ड शेड में है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का सा इसको ग्लिटर इफेक्ट देने के लिए हल्का सा लगाऊँगी मैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस, देखिए आप दोनों आईज में फर्क देख सकते हैं। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूंगा। हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, इस कैमरा उतना अच्छा जस्टिस नहीं कर रहा है इस आई लुक के लिए, पता नहीं क्यों इतना अच्छे से दिखा नहीं रहा है, बट ये सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, आपको इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लगाना है इसको, हल्का सा ऊपर से रेड कलर छोड़ दीजिएगा, पूरा प्लेस मत करिएगा। और गाइस आईलाइनर डन, मुझसे ऐसे कैमरा में लगता ही नहीं, तो मैंने फिर मिरर में देख के अच्छे से लगाया है। आप चाहे तो फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं, बट मैं लगाने जा रही हूँ बेला वॉस्टे का ये मस्कारा है, तो आप चाहे तो फॉल्सेस भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ फॉल्सेस नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, कभी यूज़ करके देखिएगा, ये ऐसे टर्न भी हो जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए ऐसे लगाने में बहुत ही इजी रहता है कर्ल करने के लिए। ब्लश कलर से मैं कर्ल कर लूँगी।
डन गाइस। देखिए ये लोअर लाइन पे भी ये रेड का रेड कलर हल्का सा लेके और इधर स्मज कर दूंगी ताकि थोड़ा सा इसको स्मज कर लेंगे। काजल के साथ स्मज करना है आपको। अच्छा लुक आता है काजल के साथ स्मज कर लेंगे ना, बहुत ही अच्छा ड्यूल सा लुक आता है इसका। तो गाइस यहाँ मेरा आई मेकअप लुक खत्म होता है। अब बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा रेड रखने की कोशिश की है इसको, क्योंकि मैं क्रिसमस के लिए लुक कर रही हूँ। आप इसको चाहे तो न्यू ईयर पे भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा लुक रखा है। और थोड़ा सा शाइनी है, ग्लॉसी है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे एक लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं। लिप लाइनर यूज़ करने से क्या होगा ना, लिपस्टिक बाहर नहीं फैलती है और बहुत ही अच्छे से लग जाती है, फिर आपको साइडों में भी नहीं लगती। मैंने अपने लिप को लाइन कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं लगाने जा रही हूँ प्योर रेड कलर का शेड। वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है। लिपस्टिक के लिए मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ गाइस, वो है ब्लू हेवन का। ये रही, ये रेड कलर की लिपस्टिक है, मैट लिप कलर है और इसका शेड है 02। तो इसको यूज़ करते हैं। ये हो गई है लिपस्टिक रेड कलर में, बिल्कुल क्रिसमस एप्रोप्रिएट कलर है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे बाल बना के अपने फाइनल लुक के साथ। तो गाइस मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको एक्सरसाइज किया है एक शेल हुप के साथ, जो कि मैंने अपने लोकल मार्केट से खरीदा था। इसकी भी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक इस वीडियो के जस्ट बाद आपको ये वाले वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा।